नमस्ते विद्यार्थियों, आपका फिर स्वागत है कंप्यूटर लिटरेसी इन स्कूल प्रोग्राम के तहत, जो कि गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा द्वारा चलाया जा रहा है। इन्हीं व्याख्यान की श्रृंखला में आज अपना जो अंतिम वीडियो है, और इस वीडियो में अपन देखेंगे, थोड़ा सा अपन हार्डवेयर के बारे में देखेंगे और काफ़ी चीज़ें सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे। इसी के साथ मैं आपको आज बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करते हैं, या अगर कोई सॉफ्टवेयर ऑलरेडी आपके सिस्टम में डेस्कटॉप है या लैपटॉप है उसमें इंस्टॉल है तो उसको कैसे अनइंस्टॉल किया जाता है, और कुछ बेसिक कंट्रोल पैनल के बारे में आज अपन जानेंगे। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों। सर्वप्रथम हार्डवेयर क्या होता है, सभी लोग वैसे इससे भली भांति जानते होंगे कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले वे सभी यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक तथा वैद्युत भाग जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। तो मतलब जिन चीज़ों को अपन देख सकते हैं, जिनको अपन हाथ लगा के छू सकते हैं, तो उन चीज़ों को अपन क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, सर्किट, मेमोरी चिप आदि। जैसा कि प्रथम वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर का पूरा इंट्रोडक्शन बताया था, जिसके अंदर कंप्यूटर के जितने भी पार्ट थे सभी के बारे में अपन ने जाना था। अब अपन बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, जिसको अपन थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो सॉफ्टवेयर, अगर अपन देखा जाए तो, अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर हार्डवेयर का कोई यूज़ नहीं होता है। जैसे शरीर में आत्मा होती है, वैसे ही कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है। तो कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले सभी यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक तथा वैद्युत के वे भाग जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं परंतु छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जिन्हें अपन देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते, वो अपन क्या कह सकते हैं, उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर में सैकड़ों की संख्या में प्रोग्राम होते हैं, जैसे अलग अलग कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आज अपने मोबाइल में हर एक प्रकार के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस होती है, उसी प्रकार लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इन सभी प्रोग्राम के समूह को सम्मिलित रूप को अपन क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या क्या हैं, अगर अपन बात करें तो इनको दो या तीन श्रेणी में मुख्य रूप से अपन बांटते हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसका एक डायग्राम भी लिया है मैंने। ये आपका हार्डवेयर है और ये आप हैं, यूज़र, मतलब जिस जो इसको यूज़ कर रहा है। तो हार्डवेयर और यूज़र को यूज़ करने के बीच में आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर बैठता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, मैं लिख के लाया आज अपन बात करते हैं। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो देखो, इसका भी एक डायग्राम लाया, फिर ये थ्योरेटिकल क्या लिखे हो समझाता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये रेड हैट है, ये एंड्रॉयड है, उबंटू है, आईओएस है, मैसिमटॉक्स है, तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो विस्टा है। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि कंप्यूटर को चलाने के लिए आपने क्या बोलते हैं, विंडोज़ आपने डाला, विंडोज 7 डाला, विंडो XP डाला, या फिर विंडोज 10 डाला, या फिर लाइनेक्स आप यूज़ करते हैं, या फिर आपने डोज, आपने सुना होगा डोज बेस्ड सिस्टम। तो ये जो नाम मैं ले रहा हूँ, ये सारे आपने आपके क्या कहलाते हैं, ये सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये भी प्रोग्राम का एक समूह होता है, कंप्यूटर सिस्टम के आधार पर कार्यों को संपन्न करने के लिए बनाए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर और उसके उपयोगकर्ताओं के बीच मध्यस्थ कार्य करता है। तो आज अगर अपन कंप्यूटर के बीच में कार्य कर रहे हैं तो अपना मध्यस्थ कौन है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ एक जहाँ एक और कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़ाता है, वहीं दूसरी तरफ इसका जुड़ाव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से होता है। जैसे कि पहले मैंने डायग्राम बनाया था कि हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में क्या होता है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर को माध्य में रखकर ही बनाई जाती है। जैसे अगर आप विंडोज़ ले रहे हैं तो विंडोज़ एप्लीकेशंस होगी, विंडोज़ आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, ये मैक OS है तो मैक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। तो जो आपका OS है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसी के आधार पर अपन क्या बनाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य दो भागों में बांटा गया, वही एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। अब आप बोलोगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होते हैं, तो दो प्रकार के बांटा गया सिस्टम सॉफ्टवेयर को, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, विंडोज हो गया, यूनिक्स हो गया, लाइनेक्स हो गया, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। इसी के साथ लैंग्वेज की बात करें तो जैसे मैं कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ तो मैं बच्चों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाता हूँ, जैसे सी लैंग्वेज होगी, C++ होगी, जावा होगी, पाइथन होगी, है ना, ये सारी लैंग्वेज, आर लैंग्वेज होगी, ये सारी लैंग्वेज बच्चों को सिखाई जाती है, जिनसे अपन इन सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। कैसे सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। तो जो प्रोग्राम के
प्रोग्रामिंग के लिए जो यूज़ करते हैं, जैसे कंपाइलर हो गया, असेंबल हो गया, ये सारी चीज़ें भी आपका क्या कहलाती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही प्रकार होती हैं। और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे के आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसका भी एक इमेज बता दो। देखो यहाँ पर अगर आप ये पीएस देखोगे तो ये फोटोशॉप है, ये एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड है, ये वीएलसी मीडिया प्लेयर है, ये एडोब रीडर है, ये आपका क्रोम एप्लीकेशन ब्राउजर है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का आपका साइन है। तो ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं जिनके आधार पर अपन, जैसे आज ही आप ये समझ लीजिए, अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो ब्राउजर का उपयोग करना पड़ेगा, और ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसका अपन यूज़ वेब एप्लीकेशन को, वेब को चलाने के लिए कहते हैं अपन। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक समूह होता है जिसे किसी विशेष कार्य हेतु तैयार किया जाता है। मतलब कोई भी एक विशेष कार्य को आपको करना है तो अपन क्या कराते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जैसे आप दुकानदार हैं तो अपने दुकान के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाएं, या अगर आप किसी बड़ी कंपनी के मालिक हैं तो अपनी कंपनी के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाएं, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसका अर्थ है कि हमें जिस प्रकार के कार्य करने हैं उसी अनुरूप हम बना सकते हैं। इस प्रकार हम कहते हैं कि इसका विकास व्यक्ति, संस्था आदि की आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए विकसित किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा पृष्ठभूमि पर ही ये कार्य करते हैं। जैसे ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सारे आपके विंडोज़ पर चलते हैं, मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम अलग हैं, एंड्रॉयड के आपके एप्लीकेशन सिस्टम्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग हैं। तो जितने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा होगा वैसे आपका क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख रखे हैं वही आपको एग्जाम्पल यहाँ मिलेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जैसे अपन ने सूट पढ़ा था, ऑफिस पढ़ा था अपन ने, कंप्यूटर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप हो गया, अकाउंटिंग पैकेज जैसे टैली हो गया, स्प्रेडशीट जैसे आपका एक्सेल हो गया, डेटाबेस एमएस एक्सेस हो गया, प्रेजेंटिंग सॉफ्टवेयर पीपीटी हो गया, ये सारे आपके क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी के साथ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसके अलावा जो कि अपन और यूटिलिटी के लिए कहते हैं, फॉर एग्जांपल इसका भी मैं आपके लिए इमेज लेके आया हूँ, जैसे एंटीवायरस हो गया, एंटीवायरस के साथ फाइल मैनेजर हो गया, डिस फ्रेगमेंट मैनेजर हो गया, उसके साथ डिस फॉर्मेटिंग हो गया, बैकअप प्रोग्राम, किससे आप बैकअप कर रहे हैं तो वो भी आपका किसका एग्जाम्पल है, यूटिलिटी प्रोग्राम का। जनरल यूटिलिटी बोलते हैं सॉफ्टवेयर इस प्रोग्राम के किए जाने वाले जिससे कंप्यूटर को और बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जाता है। यूटिलिटी का मतलब जिससे अपन कंप्यूटर को और अच्छा बना सकते हैं, जैसे एंटीवायरस हो गया, या ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपकी जो हार्ड डिस्क है और रैम है उसकी को क्लीन करता है। जैसे मोबाइल में आज अपन क्या करते हैं कि बहुत सारी एप्लीकेशन चल जाती हैं तो उसको अपन डिस्क क्लीन अप करते हैं, तो उससे अनवांटेड जो स्पेस होता है वो अपना फ्री हो जाता है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करते हैं। इनका उपयोग अनेक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी कंप्यूटर की कार्यक्षमता को वृद्धि करते हैं। तो यूटिलिटी का सिंपल सा मतलब क्या है, कंप्यूटर की कार्यक्षमता में वृद्धि करना। इसी के साथ मित्रों आज एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपके सामने अगर आप देखें तो ये कुछ सॉफ्टवेयर मैंने आपके लिए ले रखे हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में अपन मैं आपको बताऊंगा क्या क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो अपन देखेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको कंट्रोल पैनल पर ले चलता हूँ। कंट्रोल पैनल क्या होता है, क्या मतलब होता है देखते हैं अपन। सो कंट्रोल पैनल ये आपका कंप्यूटर का कंट्रोल पैनल खुल गया। अब बोलोगे कभी ये अलग अलग दिखता है, जैसे किसी कंप्यूटर में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, और आप इसको कुछ इस तरीके से ही बना सकते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब कंट्रोल पैनल आप कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि जैसे गाड़ी में अपने बहुत सारे स्विचेज होते हैं जिससे अपन गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसी प्रकार ये कंप्यूटर के कंट्रोल्स हैं जिससे अपन कंप्यूटर की बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपको यहाँ माउस दिखेगा तो माउस की सेटिंग को अपन यहाँ से कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, यहाँ से साउंड की सेटिंग को कर सकते हैं, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन अपन यहाँ से कर सकते हैं, स्टोरेज स्पेस जो है उसको अपन यहाँ देख सकते हैं, विंडोज़ फायरवॉल सुरक्षा के लिए अपन यहाँ देखते हैं, क्या क्या आपके फॉन्ट है, जैसे मैंने कृतिदेव डाला था तो फॉन्ट के अंदर आ गया, कीबोर्ड की सेटिंग अपन को करनी है, कंप्यूटर का कलर मैनेजमेंट करना है, डिवाइस एंड प्रिंटर के अंदर आप कोई प्रिंटर जोड़ना चाहते हैं, कोई कैमरा ऐड करना चाहते हैं इसमें अपन कर सकते हैं, डिवाइस मैनेजर में भी यही सारे और काम अपन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डेट और टाइम आप अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन जैसे आप कोई प्लग इन करते हैं कोई यूएसबी तो किस तरीके से खुलना चाहिए, उसके साथ इंफ्रारेड, आपका इंफ्रारेड कनेक्टिविटी होता है, रिकवरी आप करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज अपन देखेंगे सबसे पहले प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। कभी कभार ये
प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में आप इंस्टॉल अनइंस्टॉल भी अपन कर सकते हैं, प्रोग्राम रिमूव और इंस्टॉल करना। तो इसको आप जैसे भी क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर इसमें एक बार में खुल जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एडोब रीडर इंस्टॉल कर रखा है, मैं वापस इंस्टॉल करूँगा आपके सामने। इसको मैं रिमूव करता हूँ, तो रिमूव करने के लिए इसके लिए मैं डबल क्लिक करूँगा, तो ये पूछेगा आर यू श्योर यू वॉन्ट टू अनइंस्टॉल एडोब रीडर, जो भी है सॉफ्टवेयर इसका नाम दे रखा है, क्या आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं? तो मैं यस पे क्लिक करूँगा और ये क्या होगा, देखो अनइंस्टॉल हो रहा है। तो इसी प्रकार आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में ऐसे कोई सॉफ्टवेयर है जिनका आपका उपयोग नहीं और आपने डाल दिए, तो इसको अनइंस्टॉल अपन इस तरीके से कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं ताकि आपकी कंप्यूटर की स्पीड जो है वो क्या हो जाए, थोड़ी अच्छी हो जाए। अगर आप इसको अनइंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपकी कंप्यूटर की स्पीड इतनी अच्छी नहीं होगी। तो ये अनइंस्टॉल हो रहा है फ्रेंड्स, इट टेक्स लिटिल बिट टाइम। ये थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसकी साइज़ 325 MB है, काफ़ी बड़ा साइज दे रहा है। इसी के नीचे अगर आप देखें तो एक मैंने ब्लू स्टेक ऐप प्लेयर डाल रखा है, ये आपका 1.99 GB, मतलब 2 GB मेरा स्पेस ले रहा है ना, बहुत सारे स्पेस ये लेते हैं। इसी के बाद मैंने देव C++ डाल रखा है, ये मेरा प्रोग्राम चलाने का सॉफ्टवेयर है। इसी के साथ अगर आप देखें तो इपिक पेन, आपको पता हो तो मैं पेन यूज़ करता हूँ स्क्रीन पे, उसका ये सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम, क्रोम चलाने के लिए। गो टू मीट मीटिंग, ये मीटिंग का सॉफ्टवेयर है। ऑनलाइन बच्चों की मैं क्लासेस लेता हूँ इस पर। इसी के साथ ये देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रेजेंटेशन प्लस 2016। तो ये देखो अब ये हो गया, ये पूछ रहा है आर यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस इन योर डिवाइस, क्या आप हमें परमिशन देते हैं आपके डिवाइस जो आपका डेस्कटॉप है उसमें चेंजेस करने के लिए? तो मैं इसको बोलूँगा यस। तो जैसे अपन यस क्लिक करेंगे ये क्या लिखा रहा है, प्लीज़ वेट, देखो ये अब अनइंस्टॉल हो रहा है और यहाँ पर ये हो जाएगा अनइंस्टॉल पूरी तरीके से। इसी के साथ कुछ बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे अपन विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर आपके आते हैं, जैसे सुपर मारियो, ये मैंने एक गेम डाल रखा है। फिर टेलीविज़ार, ये आपका एक प्लेयर है। टर्बो C++, ये वही है प्रोग्राम लैंग्वेज कल चलाने का। VLC मीडिया प्लेयर मैंने डाल रखा है। व्हाट्सएप ऐप, ये मैं डेस्कटॉप पे चलाने के लिए अलग से डेस्कटॉप व्हाट्सएप डाल रखा है मैंने। विनरार, ये जिप फाइल के लिए। जूम मीटिंग, ये भी आपका ऑनलाइन मीटिंग के लिए मैंने सॉफ्टवेयर डाल रखा है। तो देखो एडोब रीडर मेरा पूरी तरीके से अनइंस्टॉल हो गया। इसी प्रकार जैसे मैं VLC मीडिया प्लेयर को अनइंस्टॉल करना है, तो अगर आप डबल क्लिक करना नहीं चाहते तो इसको सेलेक्ट करें और यहाँ लिखा है अनइंस्टॉल, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो पूछेगा क्या आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं? मैंने कर दिया यस। तो यहाँ से देखो ये भी आपका अनइंस्टॉल हो जाएगा, ये बोल रहा है नेक्स्ट। ठीक है, आप डिलीट भी कर सकते हैं इसके पुराने कुछ डेटा पड़े हों, सेलेक्ट करके नेक्स्ट। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें क्या हो गई, आपकी डिलीट हो गई। तो ये भी आपका अनइंस्टॉल हो गया। तो जो जो भी ऐप आप चाहें तो कहाँ से जा सकते हैं, आप कंट्रोल पैनल में जाएं, कंट्रोल पैनल के जहाँ हार्डवेयर एंड इसमें भी जा सकते हैं, या सीधा इसकी कैटेगरी चेंज करें। आप कैटेगरी में जाके लिखिए लार्ज आइकन, यहाँ पे प्रोग्राम में जाइए और यहाँ पे जितने ही प्रोग्राम्स आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल है वो आप यहाँ से दूर कर सकते हैं। इसी के साथ अपन बात करेंगे प्रोग्राम को इंस्टॉल करने की। तो देखो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे ये मैंने कुछ सॉफ्टवेयर ले रखे हैं जो मेरे लैपटॉप में पड़े थे, जैसे ऑफिस ले रखा है। ऑफिस की मेरे पास 2007 की जो मेरे लैपटॉप के साथ आई थी, ओरिजिनल विद लाइसेंस वर्जन, वो मेरे पास पड़ा हुआ है। तो उसको अपन सेटअप यहाँ से करेंगे, तो ये डबल क्लिक करोगे। देखो जब भी सेटअप करते हैं तो बहुत सारी फाइल होती हैं, ये चीज़ आप एक ध्यान रखिएगा। जब भी आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल इंस्टॉल करते हैं तो उसमें बहुत सारी फाइल्स होती हैं, तो उन फाइल को अगर आप देखें, जैसे दूसरा फाइल मैं खोल के बताता हूँ, जैसे इसका फाइल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एप्लीकेशन लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन लिखा हुआ है। इस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहाँ आपको देखो क्या मिलेगा, .exe। तो जो जो भी फाइल .exe हैं उनका मतलब होता है ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये एक सॉफ्टवेयर है। तो आपके कंप्यूटर में वही फाइल इंस्टॉल होंगे जो कि .exe है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, अपन को .exe फाइल लेना है। तो यहाँ पर भी जो आपका ये सेटअप है आपका, ये आपका एप्लीकेशन है, बाकी सब जगह कुछ अलग अलग लिखा है पर यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एप्लीकेशन। तो जो एप्लीकेशन होता है वो .exe होता है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये सेटअप पूछेगा क्या आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। पर मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इट टेक्स, ये समय लेता है, अराउंड 10 से 15 मिनट लेता है इंस्टॉल होने में। मैं छोटे सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करके बता रहा हूँ। जैसे भी मैंने आपके सामने दो चीज़ें अनइंस्टॉल की थी,
एक एडोब रेडर को अनइंस्टॉल किया था और एक वीएलसी प्लेयर को अनइंस्टॉल किया था। तो कुछ नहीं करना है, उसके सेटअप पे जाओ, जो कि एप्लीकेशन होगा उस सेटअप पे जाओ, उसको आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं और डबल क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो क्या बोलेगा ये, क्या आप इस ऐप को अपने डिवाइस में परिवर्तन करने के लिए परमिशन दे रहे हैं? तो मैंने कह लेता हूँ यस। तो देखो अभी इंस्टॉल हो रहा है, तो क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयरिंग इंस्टॉलेशन। तो जैसे अनइंस्टॉल किया उसी प्रकार का कुछ इंटरफेस आ रहा है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। तो देखें अभी इंस्टॉल हो रहा है। ये 97% हो गया है, अब आगे का प्रोसेस आएगा इसमें। अब इसका इंस्टॉलेशन और हो रहा है। तो जब भी इंस्टॉल होता है कुछ ऑप्शन पूछता है, जैसे ये पूछ रहा है मैक एडोब रीडर माई डिफॉल्ट पीडीएफ व्यूअर, मतलब जब भी मैं पीडीएफ पढ़ूंगा तो एडोब रीडर से पढ़ूंगा क्या? तो मैं यस कर देता हूँ। उसको अगर हटा भी सकते हैं और सेलेक्ट भी कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट। फिर ये क्या कह रहा है, क्या आप इंस्टॉल अपडेट ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं, डाउनलोड अपडेट करना चाहते हैं? तो मैं लिख लूँगा मैन्युअली। वैसे आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको मैन्युअली कर रहा हूँ कि जब मुझे अपडेट करना है तो मैं अपने हिसाब से चेक करके कर लूँगा। अभी इंस्टॉल हो रहा है, द प्रोग्राम फीचर यू सिलेक्टिंग आर बीइंग इंस्टॉल्ड। ये इंस्टॉल होना शुरू हो चुके हैं। तो जितने भी इसकी सेटअप के अंदर की फाइल हैं, जो जो भी प्रोसेस है, वो सारा इसके अंदर हो रहा है। ये कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो रहा है। तो ये देखो कितनी सारी फाइलें इंस्टॉल कर रहा है, और ये कंप्लीट द प्रोसेस ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस। तो फटाफट ये अपना प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है, और ये देखो परसेंटेज बता रहा है, और ये मेरा ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। तो इसी प्रकार आप बहुत सारे जो जो भी आपके सॉफ्टवेयर वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये आपका इंस्टॉल हो गया। देखो क्या लिख रहा है, सेटअप कंप्लीटेड, आपका सेटअप हो गया। इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। तो देखो इसका सेटअप हो गया। अगर मैं जाऊँगा तो देखो यहाँ पे ये राइट क्लिक राइट एरो का आ गया ऊपर बना हुआ, तो ये आपका सेटअप है, ये हो चुका है शुरू। इसको मैं खोलूँगा, मतलब ये इंस्टॉल हो चुका है। तो ये पहली बार खुल रहा है, और ये सेटअप हो चुका है। इसके एप्लीकेशन को चला रहा हूँ। तो इससे जो भी आपकी पीडीएफ की फाइल है ना, पहली बार खोलोगे तो ये बोलेगा एक्सेप्ट कीजिए टर्म्स एंड कंडीशन में। इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ, खुल गया। तो जो भी आपकी पीडीएफ फाइल है वो आप इसको खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो। तो आपके कंप्यूटर में जो भी पड़ी है उनको आप खोल के यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो ये पीडीएफ अपन ने इंस्टॉल कर दिया। साथ ही अगर मैं चाहूँ दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर भी आपके सामने मैंने अनइंस्टॉल किया था, इसको मैंने ओपन करता हूँ, यस कहता हूँ। तो देखो ये भी इंस्टॉल कर रहे हैं अपन। सेलेक्ट लैंग्वेज, आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं इसको इंग्लिश में कर रहा हूँ क्योंकि अपन को इंग्लिश में चाहिए। ओके, ये पूछेगा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसमें कुछ पूछेगा कस्टमाइज बात कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट ये पूछ रहा है कहाँ इंस्टॉल करना है, सी ड्राइव डी ड्राइव, इसका सेटअप सी ड्राइव ले लेते हैं बाई डिफॉल्ट। और ये कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो रहा है। तो देखिए दोस्तों ये भी इंस्टॉल हो रहा है, और ये प्रोग्रेस बता रहा है कि किस तरीके से सेटअप हो रहा है, कहाँ जा रहा है। तो ये प्रोसेस हो रहा है आपका पूरा, ठीक है। तो ये आपका हो रहा है, ये चलता रहता है। इसी के साथ मैं आपको और चीज़ बताता हूँ। जैसे मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, मुझे डेस्कटॉप पे ओके, ये वीएलसी मेरा हो भी गया, वीएलसी मीडिया प्लेयर रन करना तो रन कर सकते हैं। मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, इसको भी मैं कट कर देता हूँ, और फिनिश करके मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, ठीक है। अब देखो दो चीज़ें आ गई मेरी, एक एडोब रीडर आ गया और एक मेरा वीएलसी मीडिया प्लेयर आ गया। इसको भी अपन खोल करके यूज़ कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपका वीएलसी मीडिया प्लेयर खुल जाएगा। अलाउ मीटा डाटा नेटवर्क एक्सेस रेगुलर चेकअप वीएलसी अपडेट, तो इन दोनों को हटा देता हूँ कि मुझे अपडेट नहीं चाहिए। तो ये मेरा वीएलसी मीडिया प्लेयर हट गया है। तो इसमें अपन कोई सा भी वीडियो चला सकते हैं, ऑडियो चला सकते हैं, इतना मतलब MP3 चला सकते हैं, MP4 फॉर्मेट चला सकते हैं, ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें आप इसमें चला सकते हैं। तो ये तो सिर्फ दो एप्लीकेशंस मैंने आपको इंस्टॉल करके बताई। इसी के साथ आप बहुत सारी एप्लीकेशंस है ना, आपके पास जितनी भी एप्लीकेशन जो आपके लिए यूज़ हो, जैसे अगर आप अकाउंट का काम करते हैं तो टैली डाल सकते हैं, MS ऑफिस आप डाल सकते हैं, और कोई आप प्रिंटर इंस्टॉल कर रहे हैं तो प्रिंटर का आप सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। तो इसी प्रकार सॉफ्टवेयर को डाल भी सकते हैं, और कोई चीज़ अगर आपको यूज़ नहीं आ रही है तो आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर को अच्छे से चलाने में, कि वह एप्लीकेशन जो नहीं काम की उनको आप हटा दिया करें। तो किस तरीके से हटाना है, कैसे हटाना है, वो सारा आज अपन ने देखा था। वापिस चलते हैं अपन प्रेजेंटेशन पे। तो प्रेजेंटेशन के अंदर ये सारी चीज़ें अपन देख चुके हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वगैरह क्या होता है और कैसे किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है, कैसे किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल किया जाता है, और इंस्टॉल किया अनइंस्टॉल किया उसके बाद कैसे उस एप्लीकेशन को यूज़ किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें अपन ने देखी। तो दोस्तों ये अपना अंतिम लेक्चर था जिसके अंदर अपन ने सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा जाना, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते ही जाना, उसका एक्सटेंशन डॉट के बाद जो भी चीज़ होता है वो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, वो डॉट ई एक्स होती है, अपन ने जाना। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ इसके अलावा अगर आपको कोई भी नया वीडियो चाहिए, कोई टॉपिक आपको समझना है या ऐसा कोई टॉपिक आपको पढ़ना है जो कि बच्चों के लिए बहुत आवश्यक हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं सेपरेटली उसका एक वीडियो बना के आपके इस YouTube चैनल पे, जो कि आपका जीजी ट्यू का YouTube चैनल है, उस पर अपन डाल सकते हैं और मैं आपको बता सकता हूँ। तो इसी के साथ जीजी ट्यू का स्टाफ जो कि नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर अशोक काकोड़िया सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों के लिए कुछ करने का। और मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार मेरे को आप लोगों के लिए कुछ करना हो तो मुझे इसका ऐसा मौका मिले और मैं आपके लिए हमेशा ऐसी कुछ चीज़ें बनाऊँ जो आपके लिए आवश्यक हों। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। जब भी आपको कुछ भी प्रश्न पूछना है आप सीधा इसमें कमेंट करें, मैं इसका कमेंट पढ़ के आपको सीधा आंसर दूंगा। जो भी आपको वीडियो कोई चाहिए किसी टॉपिक के बारे में जानना, आप कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं उस पर टॉपिक बना के इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए अपलोड कर दूंगा। सो है अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।